हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि आजकल इंडिया की काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ बात चल रही है ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में, कि हम इन प्रोडक्ट्स पे जो है अपने टैरिफ्स जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, या फिर हम अभी सेसा लेके आ रहे हैं यूएई के साथ, या फिर यूके के साथ हम अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कर रहे हैं। तो इन टर्म्स को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा और इन सारे अग्रीमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पता चल जाएंगे कि कब कौन सा अग्रीमेंट किया जाता है और कौन सा अग्रीमेंट किस चीज पे फोकस करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में किया जाता है, जहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स रखती हैं दूसरी कंट्री के साथ और उनको कुछ टैरिफ कंसेशन जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की जो करेक्टरिस्टिक है मेन, वो ये है कि यहाँ पे एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है कि इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जो है एफटीए अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि इन पे जो है टैरिफ और कंसेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि एक नेगेटिव लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जो कि थोड़ा कम हो जाता है, नंबर स्पेसिफाई करना ईजी हो जाता है, तो इसलिए एक इसको बोलते हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है देन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये इसका मेन करेक्टरिस्टिक है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, और इसमें जो है टैरिफ कंसेशन प्रोवाइड की जाती है टू दी अदर कंट्री। नेक्स्ट होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पे ऐसे कोशिश की जाती है कि जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसको प्रेफरेंशियल राइट ऑफ एंट्री मिले उसके, जो जैसे अगर यूके है वहाँ का पॉर्क है, वहाँ के अगर पॉर्क पे आप उसकी टैरिफ रिड्यूस कर दोगे तो उसको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस तरीके से जो है प्रेफरेंशियल राइट ऑफ एंट्री दी जाती है टू सर्टेन प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में हुआ था एक ट्रेड अग्रीमेंट जहाँ पे पॉर्क को जो है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में मिल गया था कि आप जो है टैरिफ जो है कम लगेंगे पॉर्क को और हम यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है कि इन इन गुड्स और सर्विसेज पे जो है आपको टैरिफ जो है हमारी कंट्री कम लगाएंगी, ताकि जो इम्पोर्टर्स हैं वो वहाँ से इम्पोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू किसी और कंट्री को। तो इस तरीके से उनके प्रोडक्ट को थोड़ा लीवरेज मिल जाता है, थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है। और ये जो टैरिफ्स है या तो वो रिड्यूस हो सकते हैं या फिर ज़ीरो भी करे जा सकते हैं फॉर सम प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से ये अग्रीमेंट जो है काम करता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नई चीज ऐड हो जाती है जो कि होता है रेगुलेटरी एस्पेक्ट। अभी तक आप क्या बात कर रहे थे कि आप टैरिफ जो है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे कम कर दोगे और उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव लिस्ट जो है वो बनाओगे, पर यहाँ पे जो है रेगुलेटरी की वो ट्रेड कैसे जो है रेगुलेशन होगी उसकी वो भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो यानी कि इसमें और ज़्यादा टर्म्स या कंडीशंस जो है वो ऐड हो जाती हैं और कौन इसको देखेगा, तो ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट इसमें ऐड हो जाता है। और इसमें नेगोशिएशन एक और जो है चीज़ जो ऐड हो जाती है, नेगोशिएशन ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ भी ऐड हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ ट्रेड था ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट भी ऐड हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पे वो वाली नेगोशिएशन भी कंसिडर की जाती है जो कि होती है ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन और कस्टम कोऑपरेशन, और इसके अलावा कॉम्पिटिशन और आईपीआर। आईपीआर यानी जो आपके पेटेंट राइट्स होते हैं, तो वो वाली जो है उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में। और ये वाला जो अग्रीमेंट होता है ये वाइडेस्ट कवरेज देता है, यानी कि इसके जो टर्म्स कंडीशंस जो भी रेगुलेशन है सबसे ज़्यादा डिटेल में पाई जाती है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वाइडेस्ट कवरेज प्रोवाइड करता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट जो है ये थोड़ा कम कॉम्प्रिहेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सेपा, बट इसमें जनरली जो है नेगोशिएशन कवर की जाती है ऑन ट्रेड टैरिफ्स एंड टीक्यूआर रेट्स। तो इसलिए ये थोड़ा कम कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें रेगुलेशन भी नहीं है। तो ये आता है सेपा के बाद, विच इज सेसा, CECA। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। तो अब जो मेन आपके चार अग्रीमेंट थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, विच इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, सेपा और सेसा। नेक्स्ट क्या होता है, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट और अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो ये जो है ये एक प्रीकर्सर, आप इसको बोल सकते हो कि ये प्रीकर्सर होते हैं ये जितने भी हमने अग्रीमेंट्स पढ़े उससे पहले,
यानी कि जब भी बात स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि उनका क्या स्कोप रहेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसमें आएंगे, तो वो जो है ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में और हार्डली अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में जो है डिस्कस होते हैं। तो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट क्या करता है, ये डिफाइन करता है, एक फ्रेम प्रोवाइड करता है ऑफ स्कोप एंड प्रोविजन, कि क्या क्या स्कोप रहेंगे अग्रीमेंट के, क्या क्या प्रोविजन रहेंगे जो भी दो कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट सेटल होने जा रहा है उसके बीच में। तो स्कोप और प्रोविजन यहाँ पे डिस्कस होते हैं और वो डिस्कवर करता है कि क्या एरिया ऑफ डिस्कशन रहेंगी, किस किस चीज़ पे डिस्कस किया जाएगा उन दो कंट्रीज के बीच में, और क्या वो फ्यूचर पीरियड होगा जिसके जिसमें जो है अग्रीमेंट अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि 2025 से लेके 2030 तक जो है हम ये अग्रीमेंट जो है रखना चाहते हैं, या फिर ये हो गया, और फिर हम जो है अपने यहाँ से एग्रीकल्चर को, फार्मास्यूटिकल्स को, इनको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारी जो अब हम आने वाले हैं, हम इसमें इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है आपकी कंट्रीज में पहुँचाना चाहते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने जैसा हो गया कि क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर टाइम पीरियड रहेगा, और क्या क्या जो है एरिया ऑफ डिस्कशन रहेंगे आने वाले एग्रीमेंट में जो भी आप सेटल करने जा रहे हो। नेक्स्ट होता है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम भी एक प्रीकर्सर होता है FTA, सेसा या सेपा के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं सर्टेन प्रोडक्ट्स कि किस किस पे हमें टैरिफ लिबरलाइजेशन चाहिए, यानी कि टैरिफ्स कम चाहिए, कि हम जो है ये प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये वहाँ के इम्पोर्टर्स को थोड़ा सस्ते में मिले। तो वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और जो कंक्लूजन आता है वो फिर FTA में निकल के आता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, कि फाइनली अब ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे ट्रेड कंसेशन जो है, टैरिफ कंसेशन जो है वो हमें मिलेंगी। तो इसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। और ये जितने भी आप आगे जाके एंगेजमेंट्स होती हैं कि ट्रेड अग्रीमेंट जो भी इस्टेब्लिश किया जाता है, तो सबसे पहले एक जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम से मिलता है, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री से पहली बार बात करते हो और उनको बताते हो कि हमें ये प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में देना है, तो एक कॉन्फिडेंस जो है इस्टेब्लिश कर देता है कि हाँ ये कंट्री हमारे साथ जो है कोई अग्रीमेंट लेके आना चाहती है और ये बात करने को रेडी है। तो इसलिए एक मेन स्टेप बन जाता है टुवर्ड्स इन्हेंस्ड एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो ये तो सारे मेन स्कीम्स टर्म आपने देख ली हैं। इसके अलावा इंडिया कुछ और जगह भी जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है, तो उनके सिर्फ नाम जानना काफ़ी है। तो ये कुछ तीन नाम है जो अभी इंडिया करेंटली गो थ्रू कर रहा है इन अग्रीमेंट्स में, विच इज़ ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट और इंडिया मर्कोसुर PTA। तो ये अभी इनमें डिटेल में जानने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जैसे ये प्रेविलेंट होंगे तो हम हो सकता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के इनको डिस्कस कर लें। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई दो कंट्रीज़ जो हैं वो FTA में क्यों आती हैं, कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट में क्यों आती हैं, तो वो ट्रेड अग्रीमेंट में इसलिए आती है क्योंकि उन दोनों को जो है एक बेनिफिट देखने को मिलता है। वो देखती हैं कि अगर हम इनको एक प्रेफरेंस राइट दे दें और हम बदले में एक प्रेफरेंशियल राइट ले लें, तो हमें फ़ायदा होगा इस एग्रीमेंट को लेके आने में, क्योंकि हमें एनीवेज इंपोर्ट कहीं ना कहीं से तो करनी है कमोडिटीज़। लेकिन अगर हम इनके साथ एग्रीमेंट रख लेते हैं तो हमारी कुछ कमोडिटीज़ जो हैं उनको एक सेफ्टी नेट मिल जाएगा कि कम से कम यहाँ पे तो इनको अपने आप को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाएगा, इन मार्केट्स को तो एक्सेस करने का मौका हमारी प्रोडक्ट्स को मिल जाएगा। इसलिए जो है वो FTA में आती हैं या फिर दूसरे एग्रीमेंट्स में आती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प करी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।